नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में और ये है 19 अगस्त की मुख्य खबरें। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 5 सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक के स्वयं में विलय के लिए शेयर स्वैप अनुपात को मंजूरी दे दी है। पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विकास के लिए महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के दोजा गांव का चयन किया है। IIT कानपुर ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 5 गांवों को गोद लिया है और यह सीवेज का प्रवाह नदी में प्रतिबंधित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करेंगे। संस्थान द्वारा गोद लिए गए 5 गांव हैं रामेल नगर, खोयरा कत्री, परतापुर, हरी हिंदपुर और कदरी लदवा खेड़ा। 7 भारतीय कंपनियों ने विश्व की सबसे बड़ी 200 कार्बन स्वच्छ कंपनियों की सूची में अपना स्थान बनाया है। इन कंपनियों को उनके कुल स्वच्छ ऊर्जा राजस्व के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। सूची में जापान की टोयोटा मोटर सबसे ऊपर है और भारतीय कंपनियां हैं सुजलॉन एनर्जी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, टाटा केमिकल्स, थर्मैक्स लिमिटेड, एक्साइड इंडस, IDFC लिमिटेड और हेवल्स इंडिया। हिंदी विद्वान और लेखक सुनीता जैन को उनकी कविता संग्रह क्षमा के लिए प्रतिष्ठित 25वें व्यास सम्मान 2015 से सम्मानित किया गया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने संशोधित जल के औद्योगिक उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जाम्बिया और पैट्रियोटिक फ्रंट के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एडगर लुंगू ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय विकास पार्टी के खिलाफ आम मतदान में फिर से चुनाव जीत लिया है। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने पारेषण के क्षेत्र में टैरिफ आधारित रिवर्स नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही पारेषण परियोजनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली लगाने के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने तरंग मोबाइल ऐप ई ट्रांस और DEEP दीप डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित ई बोली वेब पोर्टल का शुभारम्भ किया। आर्थर हिलर, जिनको रोमांटिक ट्रेजेडी लव स्टोरी के निर्देशन के लिए एक ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था, उनका निधन हो गया है। कंपनी रजिस्ट्रार से निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद भारतीय डाक भुगतान बैंक अस्तित्व में आ गया है। नए बैंक का परिचालन 2017 में शुरू हो जाएगा। यह डाक विभाग के अंतर्गत पहली PSU होगी जिससे पूरे देश में सितम्बर 2017 तक अपनी शाखाओं को शुरू करने की उम्मीद है। दोहा बैंक USC, जो कि कतर के प्रमुख बैंकों में से एक है, 27 अगस्त को केरल में अपनी पहली शाखा का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेगा। यह शाखा इडापली में लूलू मॉल की पहली मंजिल पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आइए एक नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। आप हमारे सारे शो सीधे आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। बस डाउनलोड करें अड्डा 24/7 ऐप, जो कि ऑफिशियल ऐप है bankersadda.com और ssc.adda.com का। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट सीधे आपके इनबॉक्स में मिल सके। सो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए फॉलो करते रहें अड्डा 24/7 को। धन्यवाद।